तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब राज ने बिना उल्टी किए अपने दिल की बात डिम्पी तक पहुंचा दी, और बेस्ट पार्ट ये है कि वो मान भी गई। हो गया भाई। बांक। हाँ यार, बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो अब इस लंगूर के हाथ सड़ा हुआ अंगूर लग ही गया। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। लेकिन सनी के होते हुए राम दी जोड़ी कैसे मिला सकते हैं? Let's start. डिम्पी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने उस राज को हाँ कर दी? हाँ यार। नहीं मतलब उसने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, उसने पीसीएम लेनी है, तूने पीसीबी लेनी है, कोई कंपैटिबिलिटी है? चलेगा कैसे? खैर मुझे क्या है, चल एंजॉय। हाँ वैसे ना ये इंजीनियर लोग डॉक्टर का दर्द नहीं समझ सकते। खैर मुझे क्या है। राज, हम लोग बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। तुम्हें मैथ्स लेनी है, मुझे बायो, हमारा कोई मैच ही नहीं है। एक ही सब्जेक्ट तो अलग है डिम्पी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है ना, और तू उसके अलावा देख तू और मैं तो बिल्कुल डिट्टो सेम है ना। खैर तू छोड़, अब ज्यादा मत सोच, सब अच्छा होगा। ठीक है चलो। आज डे क्या है डिम्पी? मंडे। क्यों? अरे आज तो तुम्हारी वन वीक एनिवर्सरी है। हाँ गिफ्ट शिफ्ट मिले होंगे आज तो। चल कोई नहीं भी मिला तो, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। और मेरी जो मुंबई में गर्लफ्रेंड थी उसको तो 1 डे ऑफ रिलेशनशिप, 2 डे ऑफ रिलेशनशिप, 3 डे ऑफ रिलेशनशिप, और तब तो बहुत बाद में आया था। अच्छा वैसे देना तो चाहिए था, इतनी मुश्किल से हमारी लड़की उसके हाथ लगी है। खैर मुझे क्या है। खैर ज्यादा मत सोचियो, क्या पता वो 5 रुपए वाली मंच लेके आ रहा हूँ, बचपन की निशानी। ये राज ने मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगा है, अगर आज इसने मुझे कुछ नहीं दिया ना फिर देखूंगी मैं इसको। डिम्पी। हाँ बोलो। हैप्पी वन वीक एनिवर्सरी। जितना गधा मैं इसे समझती हूँ उतना ये है नहीं। ये तुम्हारे लिए। वाओ रोज परफ्यूम। अच्छा आ गई है कल इस चोमू को, 1 वीक एनिवर्सरी, अब आएगा मजा। हाँ सनी, राज ने हमारी 1 वीक एनिवर्सरी पे मुझे रोज परफ्यूम दिया। परफ्यूम देखे गए वो तुझे? परफ्यूम, इसका मतलब तो तेरे में से इतनी गंदी स्मेल आती है, किसी तरह का पहला गिफ्ट ही परफ्यूम दे दिया। क्या उसको लगता क्या है कि तू साला साल नहाती नहीं है, कि भाई अगली बार मुझसे मिलने आए तो परफ्यूम लगा के आना। हाँ और उसका स्टैंडर्ड ना 5 रुपए वाली मंच का ही है, देख लियो कहीं बोतल में नाली का पानी मिला लाया। नहीं ऐसा नहीं होगा यार। खैर मुझे क्या है, मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूँ, बस यही कहूंगा यू डिजर्व बेटर। मैं सब समझ गई हूँ राज, तुम्हें मुझ में से इतनी गंदी स्मेल आती है कि तुमने मुझे पहला गिफ्ट ही परफ्यूम दे दिया। आज तुमने मेरी इंसल्ट की है राज, सीरियसली। ये डिम्पी क्या मैसेज कर रही है राज भैया को? अच्छा इनके मेरे फोन में आईडी खुली। ओहो फिर से इनका रिश्ता मुझे ही बचाना पड़ेगा। मेरी प्यारी डिम्पी, मेरा पहला गिफ्ट लंबे टाइम तक चलना चाहिए ना, अब रोज तो 2 दिन में खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोज फ्लेवर वाला परफ्यूम दिया, ताकि तुम जब भी उसे लगाओ तुम्हें मेरी याद आए। मुझे लगा था सनी सच बोल रहा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। अच्छा सनी भैया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, आपका उल्लू तो मैं सीधा करवाता हूँ। इसको बताती हूँ मैं। उठाइए ना। हेलो सनी, तुम्हें राज में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखाई देते हैं, और तुम फिर आके मेरे कान भरते हो, कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो उसके लिए। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, जब तुम सिंगल थी और तुम्हें पटाना था तब तो बड़े पापड़ बेलता था, रोज नए नए महंगे महंगे रेस्टोरेंट, अब कहाँ गए? प्लान सक्सेसफुल। राज आज हम शाम को डेट पे चल रहे हैं बस। सनी भैया मुझे भी अपने प्लान में ले लो। कौन सा प्लान? आप तो मेरे आदर्श हो भैया, मैं भी चाहता हूँ राज भैया का ब्रेकअप हो जाए। बेटे मुझे पता था, मेरे अलावा अगर इस घर में कोई कमीना है तो वो सिर्फ तू ही है। भैया लेकिन हम कैसे करवाएंगे ब्रेकअप? अरे बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, अब तक उसने मेरी सारी बातें मानी है, अभी मैंने उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए कहा है, वहीं बैठे मिलेंगे देखना। अच्छा फिर क्या, डिम्पी की मम्मी को खबर पहुँचानी है, और फिर बाद में डिम्पी को ये कहना है कि राज का तो शुरू से ही प्लान था उसे पिटवाने का, सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या बात है भैया, आप तो महान हो, मुझे अपना शिष्य बना लो। तथास्तु। अभी आप कहाँ जा रहे हो भैया? अब एक घोंचू डिम्पी की मम्मी के पास। ऑडियो सेंड टू डिम्पी। हेलो लक्की भैया। कैंदी हुंदी उसी। ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? क्या बे कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी नहीं, रोमिंग शोमिंग। अब तो अगर आगे बढ़ा ना तो ऐसा कुत्ते की तरह बजाऊंगा कि मुंबई बॉक्स में वापस जाएगा। अबे तू रोकेगा मुझे? तेरे जैसे बहुत देखा है मुंबई में।
भाई मैं नहीं मार रहा, मैं डराने के लिए लाया था। ये मिंकू क्या भेज रहा है? फिर क्या, डिम्पी की मम्मी को खबर पहुंचानी है, फिर बाद में डिम्पी को ये कहना है कि राज का तो शुरू से ही प्लान था उसे पिटवाने का। डिम्पी फटाफट भाग लेते हैं यहाँ से, पहले तेरे घर से कोई आए। हाँ प्लीज राज। भाई मेरे भाई, मैं तेरे बहुत बड़ा कुत्ता, कमीना और हरामी समझता था, तो देव मानुष निकला यार। वो तो मैं हुई। क्या वो देव मानुष? हाँ। तूने ये सब किया कैसे? अरे भैया आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ठीक है। मिंकू और देव मानुष, अब आएगा असली मजा। Hi guys, I hope you like this video. तो यार देखो, अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसकी थोड़ी सी इनकम्प्लीट एंडिंग क्यों है, लाइक सनी डर के क्यों भागा, बैट से कौन डरता है भाई, और मिंकू ने लास्ट में इतने ईविल एक्सप्रेशंस क्यों दिए, तो इस सब का खुलासा आगे जाके होने वाला है, तो वेट करो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।